Negative. I'm confident about my boys. They will complete the mission, even if they have to sacrifice their lives. Are you sure, Major? Yes, Colonel. सारे भारतवासियों और नेपालवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे इसका मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और आपको बताना चाहता हूँ, काफी दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला YouTube पे। एक्चुअली मैं काठमांडू गया था, तो काठमांडू में मैंने काफी सारे वीडियो डाले थे, लेकिन इंडिया में आने के बाद मैंने एक वीडियो नहीं डाली है सिवाय शॉर्ट्स वीडियो के। तो काफी सारे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आने लगे कि सर आप कहाँ हो, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो कुछ मेरा जो घर का जो बैकग्राउंड है सेटअप वो नहीं हो पाया और मुझे कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो आज भी मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि गोरखा वॉरियर का एक ट्रेलर आया है, तो अगर उसका ट्रेलर आया था उसका रिएक्शन नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं अपनी अकेडमी में आ गया, स्टूडियो में, डांस अकेडमी में, कि इसका रिएक्शन तो बनता है। तो मैंने सोचा कि यहीं पर कर डालूंगा। इसलिए तो पब्लिक डिमांड में मैं गोरखा वॉरियर का आज रिएक्शन करने वाला हूँ। और आपको बताऊँ कि इसको डायरेक्ट किया है मिलन चैम्प्स ने। गोरखा वॉरियर्स के बारे में तो सबको जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि गोरखा वॉरियर्स कौन होते हैं और गोरखास कौन होते हैं। तो उनके बहादुरी के बारे में तो पूरा वर्ल्ड को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दूं कि गोरखा वॉरियर्स का मैं टीजर का रिएक्शन किया था काफी टाइम पहले, आज आखिरकार इसका ट्रेलर आ ही गया। तो काफी कम समय में काफी सारे व्यूज हो चुके हैं यूट्यूब पे और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसका रिएक्शन करूंगा। तो चलो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं गोरखा वॉरियर ऑफिशियल ट्रेलर। 1, 2, 3 and start. OSR Digital, entertaining the nation. 1949. मलाय को जो घनघोर जंगल, जहाँ उग्रवादी हरले आतंक मचाई रहेका थिए, र त्यही आतंकवाद विरुद्ध लड्न गएका हाम्रो गोर्खाली प्लाटुन अचानक सम्पर्क विहीन भयो। सेसिया बुया मेंगांगु Sir, I think we should send for more reinforcements. पानी के अंदर भी घुसे हुए हैं यार। Have you found anything about them? Real story. Negative. बोला था ना? I'm confident about my boys. They will complete the mission, even if they have to sacrifice their lives. Are you sure, Major? Yes, Colonel. काट लिया। ये झागरी बसना कहते हैं। मलाई पनि था छ। तिमी फर्केर आउँछौ भनेर। तर एकछिन अनि 3 वर्षमा धेरै फरक हुन्छ। अच्छा, गाउँ की स्टोरी भी दिखाई गई है। ओहो, लगाउ लगाउ कुल्ला सुरु हुँदैछ। कोही अतालिले छैन। आज हामी कम छौ, तर कमजोर छैनौ। कति जना साथी छुट्यो भनेर होइन, दुश्मनको छातीमा कतिवटा पाल पार्न सक्यो भनेर मात्र हिसाब गर्ने छौ। जय गोरखाली। मिलन कैंप बोला था ना ट्रैक्टर। मेरो आशीर्वाद छ तपाईं। तेरो सामु दुश्मन को सिर ठाडो हुनु भन्दा पहिला धावा बोल्ने छस् त। गोरखा वॉरियर्स फरवरी को रिलीज हो रही है भाई। इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। ट्रेलर बहुत अच्छा था और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, क्योंकि बहादुरी के तो आपको पता ही है गोरखास के बारे में, कितने बहादुर होते हैं, वो बिल्कुल डरते नहीं। वो मतलब उसने ना काट लिया, हथियार नहीं है तो काट के ही मार दिया अंग्रेज को। तो देखो अंग्रेजों से लड़ने की जो हिम्मत है वो तो गोरखा में ही है। देखो कभी गुलाम भी नहीं हुआ नेपाल। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और मिलन चैम्प्स को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि ऐसी फिल्म बनाने का, कि मतलब आपको बताऊं जैसे वो भाग रहे हैं तो जो गोले बारूद जो लग रहे हैं ना जमीन पे या पानी में ठाक 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 ऐसे, तो ये बॉलीवुड फिल्मों में देखा जाता था क्योंकि बॉलीवुड फिल्म का बजट ज्यादा होता था। तो इस चीज से यह साबित होता है कि नेपाल में भी एक बंदा है जिसका नाम मिलन चैम्प्स, जो ऐसी फिल्में बना सकता है। क्योंकि ऐसी फिल्में बनाने के लिए, वॉरियर फिल्में बनाने के लिए, नाला पानी जैसी फिल्में बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे सेटअप्स करने पड़ते हैं, सेट लगाने पड़ते हैं। तो मिलन चैम्प्स को तो यार
सैल्यूट करता हूँ एक बार फिर से। मुझे डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा और स्टोरीज के बारे में क्या बात करें, बाकी फिल्म देख के पता चलने वाला कि क्या है। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात है, देखो सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, जितने भी कलाकार इसमें। और गांव का सीन दिखाया गया है, वो लड़की बोलती है कि एक साल के लिए जाते तो अलग बात थी, लेकिन 3 साल के लिए जा रहे हो और 3 साल बहुत होते हैं। एक लावरे होता है, लावरे मतलब फौजी, जो कि अपने देश के लिए लड़ने जा रहा है। उसका पता नहीं है कि वो घर वापस आएगा कि नहीं। वो एक फिल्म है यहाँ पे, LOC कारगिल बनी थी, अभिषेक बच्चन की, अजय देवगन की आई थी ना एक यहाँ पे बॉलीवुड में। उसमें बोलता है अभिषेक बच्चन की मैं आऊँगा जरूर, या तो मैं जिंदा वापस आऊँगा या फिर मैं तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा अपने झंडे में, लेकिन आऊँगा जरूर। तो ये चीज़ें होती है, एक जो एक फौजी होता है ना, फौजी की लाइफ ऐसी होती है, अपने देश के लिए मरना भी होता है मारना भी होता है, और उसको घर परिवार से दूर रहते हैं हमेशा, वो तस्वीर देखते हैं, इसमें भी दिखाया था वो अपनी तस्वीर देख रहा होता घर की। तो ये चीज़ें बहुत इमोशनल टच करती हैं, दिल को छू जाती हैं। तो भाई मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। और आपको बता दूं कि आजकल गोरखा के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, बहुत फिल्में भी बन रही है। आपको बताऊं, अभी एक विक्की कौशल की एक मूवी आई थी सैम बहादुर, जिसमें विक्की कौशल एक डांस करते हुए नजर आए थे, यो नेपाली सिर उचाली संसार में, ऐसा कुछ गाना था। उसमें खुकरी के साथ डांस कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और आपको बताऊं, अक्षय कुमार की भी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है गोरखा। ये था गोरखा वॉरियर, वो है गोरखा। अक्षय कुमार की भी आने वाली है, उसका पोस्टर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जी हाँ, तो ये फिल्म भी जरूर देखने जाएंगे। लेकिन 14 फरवरी को मैं ये फिल्म तो देख नहीं पाऊंगा, तो मैं कितनी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ नेपाल के मेकर्स के, आप यार थोड़ा कोशिश करके इंडिया में भी चलाओ। और ये फिल्म तो चलनी चाहिए, गोरखा के बारे में पता लगनी चाहिए जिनको नहीं पता है। आप इस फिल्म के माध्यम से आप बहुत कुछ बता सकते हो, तो कोशिश करके। अब तो बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं इंडिया में भी जो नेपाली फिल्म को खरीदना चाहते हैं, जो इंडिया में रिलीज करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कोशिश करें गोरखा वॉरियर हिंदी में भी आए। बाकी सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं। तो चलो, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का, और मेरा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट इसको शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय नेपाल, जय भारत।